नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज इन पोटेंशियल ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू ए डेल्टा एक्स माइनस ए. इट्स वेव फंक्शन साई एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर. द डिसकंटिन्यूटी इन डी साई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए इज. सो हमें क्या दे रखा है कि जो पार्टिकल है वो इन वन डायमेंशन है जिसका पोटेंशियल हमको ये गिवन है ए डेल्टा एक्स माइनस ए, और दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एवरीवेयर. तो हमें बताना है कि जो डिसकंटिन्यूटी होगी इन डी साई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए इज वो कितनी होगी. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी एक्स इक्वल्स टू ए डेल्टा एक्स माइनस ए, सो हम स्क्रॉडिंगर इक्वेशन का यूज़ करेंगे. व्हाट इज स्क्रॉडिंगर इक्वेशन? माइनस एच का स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई, ये स्क्रॉडिंगर इक्वेशन होता है ना. सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, स्क्रॉडिंगर इक्वेशन का यूज़ करा है. फिर हमें क्या बोला था कि हमें लिमिट में निकालना है कब, जब ये जो वैल्यू है एक्स इक्वल्स टू ए तो डी साई बाई डी एक्स में कितना चेंज आएगा. सो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये हमारे पॉइंट पास है ए पॉइंट. अब ये ए पॉइंट हम मान लेते हैं कि इस लिमिट में एग्जिस्ट करता है माइनस एप्साइलेंट से एप्साइलेंट, और नथिंग बट इज दिस एप्साइलेंट टेंस टू जीरो ओनली. ये जो एप्साइलेंट वैल्यू है ये ए पे ही आएगा और ये टेंस टू जीरो ही है. सो हम क्या ले लेते हैं लिमिट जब एप्साइलेंट टेंस टू जीरो, सो माइनस एप्साइलेंट टू एप्साइलेंट माइनस एच का स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे हम सब में लिमिट लगा दिया है. सो माइनस एप्साइलेंट टू एप्साइलेंट ए डेल एक्स माइनस ए साई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एप्साइलेंट एप्साइलेंट ई साई x एंड dx. अब हियर देर इज़ अ थिंग कि क्या हो गया है कि यहाँ पे जो e है, ठीक है, ये जो फंक्शन है e, यहाँ पे हम लिमिट क्या ले रहे हैं एप्साइलेंट से माइनस एप्साइलेंट. अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं हो रहा है ना, चेंज कोई भी x के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है. तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, अब एप्साइलेंट टेंस टू जीरो अलग है, सो इट विल बी एप्साइलेंट टेंस टू जीरो. सो ये जो वैल्यू हमको मिलेगा, ये वैल्यू जब हमको मिलेगा कितना मिल जाएगा, जीरो, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है ना, दैट्स वाई. सो ये वैल्यू हमें कितना मिलेगा, जीरो. सो माइनस एच का स्क्वायर अपॉन टू एम, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस एच का स्क्वायर बाई टू एम हमें आगे मिल जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा डेल साई बाई डेल एक्स एंड एक्स इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, ये हम प्रॉपर्टी लगाएंगे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की. डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रल. और यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, साई एक्स, और यहाँ पे होगा डेल्टा. वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है पर कोई बात नहीं, एक्स माइनस ए. जब भी कुछ ऐसा फंक्शन होता है तो ये जो डायरेक्ट डेल्टा की प्रॉपर्टी है उससे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो साई हो जाएगा वो ए हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ जो एक्स माइनस ए वो इक्वल्स टू जीरो होगा. ऐसे एक्स माइनस ए को हम क्या लिखेंगे, जीरो के इक्वल्स, तो एक्स विल बी इक्वल्स टू ए. इसीलिए जो एक्स का एक्स की रिप्लेस हम किससे कर देंगे, ए से कर देंगे. सो माइनस एच का स्क्वायर बाई टू एम, सो यहाँ पे यह आ जाएगा डेल साई बाई डेल एक्स एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी से एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी में इसका लिमिट है, प्लस यहाँ पे ए कांस्टेंट था बाहर आ गया, और बाय डायराक डेल्टा फंक्शन को सॉल्व करके यहाँ पे क्या आ गया, साई ए इक्वल्स टू जीरो. सो डेल साई बाई डेल एक्स एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट इज इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास है ये इस तरफ चला, ये वैल्यू जो है कि हमने इधर ले लिया है, सो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो टू एम ए अपॉन एच का स्क्वायर साई ऑफ ए. This is option number. We get option number A as our answer. So question में कुछ भी नहीं करना था क्योंकि ये slightly change हो रहा था, और हमको जो limit है वो x equals to a पे निकालनी थी. तो हमने क्या किया, एक small delta मतलब epsilon ले लिया जिसकी range में है x equals to a, ठीक है, और उसको लेकर जब हम स्क्रॉडिंग का इक्वेशन जो हम जानते हैं उस पर हमने लिमिट्स लगा दी माइनस epsilon टू epsilon, और जब उस लिमिट को सॉल्व किया तो हमको उसकी रेंज मिल गई, ठीक है. नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर सिक्स. द डायनेमिक्स ऑफ अ फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ मास एम इज गवर्न बाय डिराक हैमिल्टोनियन एच इक्वल्स टू सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर, वेयर पी इज द मोमेंटम ऑपरेटर एंड अल्फा इज अल्फा एक्स अल्फा वाई एंड अल्फा जेड एंड बीटा आर फोर क्रॉस फोर
डिराक मैट्रिसेस एक्सेलरेशन ऑपरेटर इज गिवन एज, तो ये जो हमारे पास हैं ये हमारे पास क्वेश्चन है, मतलब इसके ऑप्शंस है। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है कि जो हमारा एक्सेलरेशन का ऑपरेटर होगा ए जो हम बोलते हैं, सो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हैमिल्टोनियन दे दिया, एज वी नो दैट वी एक्स, यानी कि सब एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले हमें वेलोसिटी निकालना होगा। सो वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है, और इस डी एक्स बाई डी टी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय अनफेस थ्योरम। अनफेस थ्योरम से हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल चेंज इन एक्स कैन बी रिटर्न एज वन अपॉन आयोटा एच कट एक्स कॉमा एच, यानी हैमिल्टोनियन कम्यूटेटर ऑफ डिस्टेंस एंड हैमिल्टोनियन प्लस डेल एक्स बाई डेल टी। अभी डेल एक्स बाई डेल टी बहुत ज़्यादा छोटा वैल्यू है और हम इसको जीरो ले सकते हैं, सो दैट दिस डेल एक्स बाई डेल टी टेंस टू जीरो, बिकॉज यहाँ पे जो लिमिट होती है इस वाले केस में वो टेंस टू जीरो ही रहती है। सो वन अपॉन आयोटा एच कट, और यहाँ पे आएगा कम्प्यूटेटर ब्रैकेट एक्स कॉमा हैमिल्टोनियन का जो वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखा है वो हम यहाँ ले लेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है अल्फ़ा का वैल्यू, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई एंड अल्फ़ा जेड है, एंड सो वी कैन राइट यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा एक्स पी एक्स, एंड क्योंकि यहाँ पे हमें डॉट करना है, एंड अल्फ़ा वाई पी वाई एंड अल्फ़ा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। बी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन आयोटा एच कट, और अभी हम इनको अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें तीनों के लिए सॉल्व करना है, अल्फ़ा एक्स पी एक्स अल्फ़ा वाई पी वाई एंड अल्फ़ा जेड पी जेड, तो लेट अस टू वन बाई वन। सो वन बाई वन करेंगे तो सबसे पहले एक्स के साथ ही एक्स कॉम्पोनेंट के साथ ही देख लेते हैं, वन अपॉन आयोटा एच कट एक्स कॉमा सी अल्फ़ा एक्स एंड पी एक्स, सो इक्वल्स टू सी अपॉन आयोटा एच कट एक्स कॉमा अल्फ़ा एक्स पी एक्स, ये कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया है हमने। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ये जो अल्फ़ा एक्स है वो हम क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा एक्स इधर से बाहर लेंगे, कॉमन बाहर लेंगे, सो एक्स कॉमा पी एक्स का जो होता है वो आयोटा एच कट होता है, तो हमें यहाँ कितना मिल जाएगा सी अल्फ़ा एक्स, कितना मिलेगा हमें यहाँ पे सी अल्फ़ा एक्स। और एक चीज़ और याद रखना कि जब ऑपरेटर एक्स जो है वो अल्फ़ा एक्स पे ऑपरेट करता है तो ये वैल्यू टेंस टू ज़ीरो होती है, क्योंकि साथ में यहाँ पे एक और टर्म आती ना, जैसे हमको क्या करना था, पहले हमने आगे से अल्फ़ा एक्स निकाला, नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करते हैं सी अपॉन आयोटा एच कट और एक्स कॉमा पी एक्स और अल्फ़ा एक्स यहाँ से हम आउट कर देते, ये अल्फ़ा एक्स इधर बाहर ले लेते, लेकिन जो नहीं यहाँ से हम क्या करते हैं पी एक्स बाहर ले लेते। अभी हमने अल्फ़ा एक्स ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटर की, अभी हमने ये लिए जैसे कि यहाँ पे हमारे हमें दे दिया ए कॉमा बी सी हमें दे दिया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले बी आउट करके यहाँ पे आ जाएगा ए कॉमा सी, देन वी कैन राइट प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए कॉमा सी और यहाँ पे आ जाएगा बी, ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि एक्स कॉमा अल्फ़ा एक्स इज़ ज़ीरो, सो दैट्स वाई हमने पी एक्स का ही दिखा दिया और हमें यहाँ मिल गया सी अल्फ़ा एक्स। नेक्स्ट विल बी ए एक्स, अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालें ऑफ एक्स कितना होगा डी वी एक्स बाई डी टी, सिमिलरली हम वैसे ही करेंगे चेंज वन अपॉन आयोटा एच कट वी एक्स कॉमा एच और प्लस डेल वी एक्स बाई डेल टी, दिस टेंस टू जीरो, सो एक्स ए एक्स कैन बी रिटर्न एज वन अपॉन आयोटा एच कट सी अल्फा एक्स एंड सी अल्फा एक्स पी एक्स प्लस सी अल्फा वाई पी वाई प्लस सी अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी स्क्वायर, जो उसका वैल्यू है हैमिल्टोनियन का। अब यहाँ पे एक बात आनी चाहिए कि वाई वी नॉट फाइंड ए वाई वी वाई एंड वी जेड, हम x का ऑपरेटर जब भी पी वाई पे करवाते हैं या x का ऑपरेटर हम पी जेड पे कराएंगे दैट विल बी ज़ीरो, मतलब x i है और यहाँ पे p j है जो अलग है ना, सो दिस विल कम्स आउट एट ज़ीरो, अगर सेम होगा तो ही हमको उसका वैल्यू मिलेगा, वरना ये वैल्यू हमें ज़ीरो मिलता है, और दिस इज़ द फॉर्मूला n iota h कट x की पावर n माइनस वन। सो अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का देखते हैं, अब हमें जब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ हम क्या लेंगे यहाँ पे अल्फ़ा एक्स से अल्फ़ा एक्स कॉमा सी अल्फ़ा जेड एंड पी जेड, तो सबसे पहले आपको इसकी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि जब भी अल्फ़ा आई कॉमा पी जे होता है दैट इज़ टू डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे हमें कितना मिलता है ज़ीरो, एंड अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे जो होता है वो इक्वल होता है अल्फ़ा जे अल्फ़ा आई के, अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा जे एंड अल्फ़ा आई, एंड अल्फ़ा आई बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा आई विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ये कुछ प्रॉपर्टी है इस ऑपरेटर की, कैसे लिखेंगे अब हम यहाँ पे सी अल्फ़ा एक्स, अब सी कांस्टेंट है तो हम बाहर भी ले सकते थे, वैसे हम चाहे तो इसके बाहर भी ले सकते हैं, और हमें एल एक्स अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड पी जेड पर ऑपरेट कराना है, सी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड माइनस, इसको हमने सॉल्व किया ब्रैकेट को, माइनस सी अल्फ़ा जेड अल्फ़ा एक्स एंड पी जेड, पी जेड हमने यहाँ से बाहर ले लिया दिस प्रॉपर्टी की, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, प्लस अब क्या करें हम अल्फ़ा जेड को बाहर ले लेते हैं अल्फ़ा जेड एंड दिस विल बी अल्फ़ा एक्स कॉमा सी पी जेड, ये जो वैल्यू है यहाँ पे देखना x और z है डिफरेंट है तो दैट टेंस टू ज़ीरो डायरेक्टली।
सी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड माइनस, अब अल्फ़ा जेड अल्फ़ा एक्स किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू सी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड इक्वल्स टू माइनस, और ये कैसे लिख सकते हैं हम, सी ये जो वैल्यू है माइनस सी अल्फ़ा एक्स एंड अल्फ़ा जेड, दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस, ओके, सो वी गेट, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये जो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे देखना ये कितना है, सी है अल्फ़ा जेड अल्फ़ा एक्स, अब इसको इसमें चेंज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, सो हमने क्या किया है माइनस माइनस सी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड लिया, सो इट विल बी टू सी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड एंड पी जेड, नेक्स्ट इट विल बी अल्फ़ा एक्स कॉमा बीटा एम सी स्क्वायर, सो इट विल बी अल्फ़ा एक्स बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा एक्स, और यहाँ पे आएगा एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू टू एम सी स्क्वायर अल्फ़ा एक्स बीटा, अल्फ़ा एक्स इक्वल्स टू सी अपॉन आयोटा एच कट, है ना, अब ये जो हमने सारा वैल्यू निकाला है यहाँ पे, हमने इसका वैल्यू निकाला, इसके साथ इसका वैल्यू निकाला, ये सारी वैल्यूज़ हमको किस में डाल देनी है, जो हमारे पास जो अल्फ़ा एक्स का वैल्यू था उसमें हमको ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है, तो हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू टू सी अपॉन आयोटा एच कट, यहाँ पे देखना अल्फ़ा एक्स इक्वल्स टू सी अपॉन आयोटा एच कट, जो हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, सॉरी दिस इज़ नॉट अल्फा एक्स, दिस इज ए एक्स, एक्सेलरेशन, ठीक है, सो ए एक्स विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन, ये जो यहाँ पे सब में कॉन्स्टेंट है सी बाहर ले लिया, सी अपॉन आयोटा एच कट ब्रैकेट में, अब ये आया है अल्फ़ा एक्स कॉमा अल्फ़ा एक्स पी एक्स, ठीक है, अल्फ़ा एक्स कॉमा अल्फ़ा एक्स पी एक्स, सो इट विल बी इक्वल्स टू टू सी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई एंड पी वाई, नेक्स्ट इट विल बी इक्वल्स टू, नेक्स्ट इट विल बी इक्वल्स टू ये जो वैल्यूज़ हमने निकाला है ये वन एंड ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाली हैं, ये वाली ये वैल्यूज़ जो हमने निकाली, ये वैल्यू जो हमने निकाली उससे पहले वाली, वो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये वैल्यू डालने के बाद हम क्या लिखेंगे, टू सी अपन आयोटा एच कट अल्फ़ा एक्स, और यहाँ पे ये जब हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, इसको सेम बनाने के लिए, यानी कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला है सी पी के फॉर्म में या इस फॉर्म में हमको बनाने के लिए, हम इसमें क्या लिखेंगे, प्लस सी अल्फ़ा एक्स पी एक्स माइनस सी अल्फ़ा एक्स पी एक्स, प्लस और माइनस कर देंगे, सो इट विल बी ए एक्स इक्वल्स टू टू अल्फ़ा एक्स सी अपॉन आयोटा एच कट, ठीक है, ये अल्फ़ा एक्स सी था अपॉन आयोटा एच कट, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा हमारे पास सी, ये अल्फ़ा वाई पी वाई अल्फ़ा जेड पी जेड एंड अल्फ़ा एक्स पी एक्स क्या हो गया, अल्फ़ा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर एंड माइनस सी अल्फ़ा एक्स पी एक्स, एंड दिस इज नेक्स्टली, दिस इज़ नथिंग बट वी कैन राइट एज एंड दिस बीटा एम सी स्क्वायर सी ईयर बीटा एम सी स्क्वायर एंड प्लस सी अल्फ़ा डॉट पी बीटा एम सी स्क्वायर प्लस सी अल्फ़ा डॉट पी किसकी इक्वल है दिस इज़ नथिंग बट एच ये वैल्यू एच के ही इक्वल है सो अल्फ़ा जब हम यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो हमारे पास बाहर अल्फ़ा है इस अल्फ़ा एक्स ये जो हमारे पास बाहर कितना है अल्फ़ा एक्स है इस अल्फ़ा एक्स को जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी ये पूरा वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास एच हो जाएगा और ये हमें कितना मिलेगा टू आयोटा सी अपॉन एच कट और ये मिलेगा हमें सी पी माइनस अल्फ़ा एच ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर की तरफ और वी कैन राइट दिस लाइक दिस वे अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज इन वन डायमेंशन इन अ सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज सब्जेक्टेड टू टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई टी इक्वल्स टू ए ई के पावर माइनस टी स्क्वायर बाई टू स्क्वायर वेयर ए एंड टू आर द कॉन्स्टेंट ओमेगा टू इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन वन इफ द डिस्टेंस इस टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी द पार्टिकल वॉज इन ग्राउंड स्टेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इन अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एट टी टेंस टू इन्फिनिटी इज प्रपोर्शनल
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें डेल्टा ई कितना दिया हुआ है, एच कट अपॉन डेल्टा ओमेगा, ठीक है। डेल्टा ई इज चेंज इन द एनर्जी, सो चेंज इन एनर्जी कितना है, फर्स्ट ई वन माइनस ई नॉट ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी रिटर्न एज 3/2, कैसे ये होता है, एन प्लस 1/2 एंड एच कट ओमेगा। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना होगा, 3/2 एच कट ओमेगा, और 0 रखेंगे तो माइनस 1/2 एच कट ओमेगा। सो डेल्टा जो हमारे पास वैल्यू आएगा एनर्जी का, चेंज इन एनर्जी, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये चेंज इन एनर्जी आ जाएगा एच कट ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, एच कट ओमेगा, और यही एच कट ओमेगा जो है डेल्टा ई है, ठीक है। डेल्टा ई का वैल्यू निकाला है, जो हमारे पास एच कट डेल्टा ओमेगा हमने लिया, तो हम किसके इक्वल लिखेंगे, एच कट डेल्टा ओमेगा। सो वी गेट डेल्टा ओमेगा इज़ ओमेगा, वी गेट डेल्टा ओमेगा इज़ ओमेगा। सो पी आई एफ, दैट इज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी रिटर्न एज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस टी स्क्वायर टू स्क्वायर, क्योंकि ए भी है लेकिन ए कैसा है, कांस्टेंट है, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ई डॉट इज नथिंग बट ई डॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी स्क्वायर बाई टू स्क्वायर, आगे और भी वैल्यूज रहती है पर ये कांस्टेंट ले रहे हैं हम, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी सो होल स्क्वायर। सो पी आई एफ इज प्रोपोर्शनल टू, और ये माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस टू स्क्वायर अप टी स्क्वायर अप बाई टू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, अब ये किसके इक्वल है, ओमेगा की इक्वल है, तो प्लस आ जाएगा आयोटा ओमेगा टी एंड डी टी का होल स्क्वायर। पी आई एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 स्क्वायर, ये टू स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, सो इट विल बी माइनस टी स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा टी एंड टू स्क्वायर प्लस। अब हम यहाँ पे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें, तो हम प्लस करेंगे आयोटा ओमेगा 2/2 के होल स्क्वायर को, माइनस करेंगे आयोटा ओमेगा 2/2 के होल स्क्वायर को एंड होल स्क्वायर। सो पी आई एफ प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 4, बिकॉज ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाला वैल्यू, ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, ये एक वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम इसको आराम से बाहर ले सकते हैं एक्सपोनेंशियली, और माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्सपोनेंशियल एंड माइनस 1/2 स्क्वायर एंड माइनस 1/2 स्क्वायर दिस वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास टी माइनस आयोटा ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर एंड डी टी का होल स्क्वायर। सो ये जो इस एक्सपोनेंशियल को जब हम सॉल्व करेंगे और ये लिमिट्स हम लगाएंगे, बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट है, तो यहाँ से 0 टू इन्फाइनाइट के फॉर्म में हम 2 बाहर ले लेंगे, और जब हम यहाँ पे डी टी के रिस्पेक्ट में इसका एक्स ई की पावर को जैसे हम सॉल्व करते हैं, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, सेम करेंगे और यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे देखना, हम यहाँ पे लगाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या लगा लिया, मान लो यहाँ पे 0 लगा लिया, ठीक है, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसको सिर्फ आपको एक्स लेना है, तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ना इसे सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन को, वो मिलेगा आपको 2 मिलेगा, वो भी 2 किसका मिलेगा, ये पूरा वैल्यू 1 आएगा, e की पावर 0 हो जाएगा और ये वैल्यू आपको 1 ला के देगा। जब ये वैल्यू आपको 1 लाएगा, जब ये वैल्यू आपको 1 मिलेगा, सो जो अपन लिमिट लेंगे 0 टू इन्फाइनाइट, तो 2 बाहर आ जाएगा, बाकी तो e की पावर 0 ही मिलेगा आपको, सो इट विल बी 1। सो पी आई एफ इज़ वॉट, अब हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी का ही देखना है कि पी आई एफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, सो इट विल बी, यहाँ से 2 से 4 जाएगा, सो इट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक सेकेंड, ये जो हम एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर ले रहे हैं ये इसका 2 है, ये तो पूरा जो आपको लिमिट मिलेगा इसका वैल्यू आपको सिर्फ 1 ही मिलेगी, सो यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर लोगे सो इट विल बी 2 एंड ये वैल्यू आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 2, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। और ये जो इंटीग्रेशन है इसका हमको नहीं करना है सॉल्व, ये हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो हम डायरेक्टली यहीं से बता सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ओमेगा और टू का जो है प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिसंबर 2016,
द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास एम इन वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स इन इंटरवल 0 to L इज गिवन बाय नॉर्मलाइज वेव फंक्शन. आपको एक वेव फंक्शन दिया हुआ है और कहा है कि ये वेव फंक्शन कैसा है, नॉर्मलाइज फंक्शन है. सो वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल आउटकम्स एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द एनर्जी. सो हमें यहाँ पे पॉसिबल आउटकम बताने हैं और एवरेज वैल्यू बतानी है एनर्जी की. सो ऑप्शन आर दिस, ऑल द फोर ऑप्शन. तो सबसे पहले हम यहाँ वेव फंक्शन लिख लेंगे. अब ये रूट टू एल है ना, हमारे पास क्या होता है वेव फंक्शन जो होता है वो कितना होता है, अंडर रूट 2/L साइन n पाई x बाई एल, ये वेव फंक्शन होता है. अब n का वैल्यू चेंज हो सकता है फॉर डिफरेंट स्टेट. सो यहाँ पे रूट 2/L हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, सो रूट 2/L साइन 2πx/L. सो यहाँ से क्या होगा, n का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स जो वेव फंक्शन है वो सेकेंड है, सेकेंड स्टेट का है. तो साइन 2x प्लस 4/5 दैट इज दिस 4/5 एंड दिस इज n पाई, सो 4πx, सो इट विल बी साइन 4x. ओके, सो हमें पता चल गया कि ये सेकेंड स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है. अब जब हम लिखते हैं एनर्जी का वैल्यू लिखते हैं वो कितना होता है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml². ठीक है. सो हम जब यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी दैट इज़ एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, एवरेज वैल्यू निकालेंगे एनर्जी का, सो इट विल बी सिग्मा PI प्रोबेबिलिटी एंड EI. व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर. सो 3/5 का होल स्क्वायर 9/25 इंटू एन, हियर इट इज 2, सो 2² पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2ml² प्लस 4/5 का होल स्क्वायर इट इज 16/25 इंटू पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2ml². जब हम इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 73/50 h² / ml². ध्यान रखना यहाँ पे h कट था फॉर्मूले में, h कट को h में चेंज करने के लिए हम लिखेंगे h कट इक्वल्स टू h अपॉन 2π. सो ये हमें मिलेगा 73/50 h² / ml². E2 विल बी कम एज पॉसिबल आउटकम भी निकालना है, हमारे पास दो स्टेट हैं तो दोनों स्टेट की एनर्जी स्टेट भी होगी. सो E2 कितना होगा, n² विल बी 2, तो 2² πh² / 2ml² h कट का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा h² / 2ml². सिमिलरली E4 वी विल गेट 2h² / ml² दैट्स ऑल.